हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आ गए एक और न्यू ब्लॉग से हम लोग मॉर्निंग में स्टार्ट कर रहे। तो फ्रेंड्स, मैं उठाऊँ करीब 9 बजे, है ना मम्मी? 9 बजे ना? हाँ पापा, जब मॉर्निंग स्कूल थी तो तुम राइट टाइम उठते थे, अब तो कोई टाइम नहीं है तुम्हारा। मम्मी मेरे को डांट रही है मैं इतना लेट क्यों उठता हूँ। तो फ्रेंड्स, वो क्या है ना, मेरे स्कूल 12 बजे है, तो इसलिए मेरे को आराम से सो के उठता हूँ, एकदम कोई टेंशन नहीं, इसलिए मैं लेट हो जाता हूँ। तो क्या मम्मी, खाना बन गया? और बेबी, पर ये बताओ, अब नाश्ता तुमका तो कोई टाइम ही नहीं है, सीधा खाना ही खाओगे? हाँ, खाना खाने में ज्यादा अच्छा लगता है ना, नाश्ता कौन खाते रहेगा कुछ मुझे। बेबी, स्कूल का नहीं गई? बेबी स्कूल क्यों नहीं गई? मैं देर से उठी हूँ इसलिए ऑनलाइन क्लास। ऑनलाइन क्लास तो क्या है ना, इसका ना ऑनलाइन भी हो रहा है और ऑफलाइन भी हो रहा है, तो ये जब चाहे जो भी कर सकती है। ऑनलाइन जब इसको ऑनलाइन करना हो तो ऑनलाइन करेगी, ऑफलाइन करना हो तो ऑफलाइन करेगी, इसलिए आज स्कूल नहीं गई। और हमारी महान यूट्यूबर रनू पांडे स्कूल गई है पढ़ने। वो पढ़ने नहीं जाती, पता है, वो अपने फ्रेंड्स के साथ मस्ती करने जाती है, ऐसा लगता है, पर पढ़ती है बेचारी, पढ़ती है। उसके बहुत अच्छे नंबर आते हैं। हाँ, एग्जाम ही उसके अच्छे, पता है, घर में पढ़े ऐसा उसको देख के लगेगा ना, एग्जाम के पहले वो बिल्कुल पास नहीं होने वाली, एक नंबर नहीं आएगा उसका। लेकिन भाई साहब, वो इतना अच्छा ला लेती है ना नंबर, बिना पढ़े ही, पता नहीं कैसे, वो एकदम अजीब ही है, सबसे अलग, और हम तीनों से अलग है वो। और मेरा क्या है पता है, अभी मेरा ना 11:30 हो रहा, मतलब 11 बजने वाला है, करीब आधा घंटा बाद 11 बज जाएगा। उसके बाद फिर 12 बजे मेरे को स्कूल जाना है, मतलब 12 बजे स्कूल वहां लग जाती है, तो मेरे को ना यहाँ से निकलना पड़ेगा 10 बजे करीब, मतलब 11:30 बजे करीब। तो मैं 11:30 बजे यहाँ से निकलूँगा, फिर वहाँ 12 बजे स्कूल पहुँचूँगा। और मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी आता है जिसका नाम रोहित है, तो उसके साथ मैं जाता हूँ, उसके साथ मैं यार स्कूल भी जाता हूँ और ट्यूशन भी जाता हूँ, क्योंकि वो घर के पास ही रहता है ना, और दोनों जगह मेरे साथ जाता है इसलिए। और फिर मैं स्कूल जाऊँगा, उसके बाद स्कूल में क्या है ना, लंच रहता है, लेकिन ना 10 मिनट का ब्रेक रहता है, तो उसमें कितना ही खाऊंगा मैं, तो 10 मिनट के ब्रेक में मज़ा नहीं आता खाने में। और नहीं तो ऐसे नॉर्मल डे रहे जब रहते थे तो सबको पता होगा, कौन कौन ये बताना, कौन कौन अपने फ्रेंड्स के टिफिन से लंच खाया है, ज़रूर बताना कमेंट में। और मैं भी खाता था, मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है आकाश, उसका लंच तो मैं बहुत ही खाता था, पता है क्या है ना, वहाँ हाँ वो स्पेशल मेरे लिए अलग से 2 पराठे और लाता था, वो अपने लिए 4 लाता था और मेरे लिए 2 अलग से लाता था। मैं उसको बोल के रखा था, आंटी को भी बोला था, उसको उसकी मम्मी को बोला था उसको कि मम्मी को बोल देना मेरे लिए भी रख ले। और उसका सॉस जो रहता था ना, पता नहीं वो कहाँ से सॉस लाता था, एक नंबर उसका अचार भी, और एकदम मस्त लगता था उसका पराठा, वो खाता था। और जब भी कोई अच्छा लाता था ना टिफिन में, तो चढ़ जाता था, भैया खा लो। और तो अभी तो ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि बैठे रहना पड़ता है, 10 मिनट के ब्रेक में भी ना बहुत कम बाहर निकलने देते हैं। तो मैं यहाँ से अच्छे से खा के जाऊँगा, फिर वहाँ मैं अपने आकाश दोस्त के साथ बैठूँगा, और उसके बाद वहाँ से फिर घर आऊँगा करीब 4:30 को, 4:15 को वहाँ से छुट्टी होती है, और यहाँ मैं 4:30 को आता हूँ, फिर मैं जाऊँगा, फिर मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगा यहाँ पे घर पे, खाऊँगा अच्छे से, खाता हूँ एकदम, कि वहाँ पे भूख लगती है बहुत। तो फिर उसके बाद मैं जाऊँगा वहाँ अपने ट्यूशन, तो ट्यूशन भी मैं अपने रोहित दोस्त के साथ जाऊंगा, फिर मैं वहाँ ट्यूशन जाऊंगा, उसके बाद वहाँ से मैं घर आता हूँ, फिर थोड़ा पढ़ता वढ़ता हूँ। तो अभी भी मेरे को पढ़ना है यार, हाँ याद आया, तो वो क्या चल रहा है ना, मेरा प्रैक्टिकल चल रहा है, तो मुझे प्रैक्टिकल कॉपी में कुछ बनाना है, इसलिए मैं अभी पढ़ लेता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ, फिर नहाने जाऊँगा, फिर जब स्कूल टाइम होगा तब मैं आपसे मिलता हूँ। तो फ्रेंड्स, अब मैं आ चुका हूँ स्कूल से घर, और अभी हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग के लिए, रन्नू का शूज़ लेना है उसके लिए, और मेरे भी कपड़े लेने 2-4, तो उसके लिए जा रही है शॉपिंग के लिए। मैं जा रहा हूँ, रन्नू और पापा जा रहे हैं बस, तो इन लोग तो नीचे भाग गए मेरे को छोड़ के, अब मैं भी जाता हूँ जल्दी से। तो फ्रेंड्स, ये तो लोग हम लोग नीचे आ चुके हैं, अब हम लोग जा रहे हैं बाजार। फ्रेंड्स, रन्नू यहाँ पे अभी शूज देख रही है, वहाँ बैठी है। देखो फ्रेंड्स, कैसे शूज चाहिए रहे तेरे को? मेरे को मतलब स्पोर्ट्स वाले। स्पोर्ट्स वाला? स्पोर्ट्स में कैसे हैं? लाइट ब्लू कलर का।
लाइट ब्लू कलर का। पगली शकल देखिए, जूता पहनेगी शकल तो मेरी उससे सुंदर है, तुझसे भी मेरी सुंदर है। आवे चल भाग, सूरज देख चुपचाप से। कुछ इस तरीके का हमको दिखाया गया है यहाँ पे, देख रही है इसको कौन सा जम रहा है, और दिखाता हूँ। फ्रेंड्स शूज तो हमने ले लिया है, अब हम लोग इसे घर जाके ओपन करेंगे, इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और आपको दिखाएंगे। और ये वीडियो रन्नू के भी चैनल में आएगा, रन्नू भी अपने प्यारे शूज़ को दिखाएगी। और बहुत ही अच्छा शूज़ है फ्रेंड्स, तो हम लोग ले लिए, अब हम लोग घर जा रहे हैं, फिर हम लोग आपको उसका अनबॉक्सिंग वीडियो भी दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग आ चुके हैं घर और हमने शूज़ ले लिए है रन्नू का, बहुत ही प्यारा शूज़ है, आप देखोगे तो चौंक जाओगे, एकदम ही अच्छा मिला है और बहुत ही अच्छे प्राइस में हमको शूज मिला है। हमें बताओ आपको कैसा लगा शूज, दिखाओ भाई पहले, खोलो तो सही, दिखाओ ऐसे नहीं। अभी इसका हम लोग पूरा वीडियो बनाएंगे जो रन्नू के चैनल पे भी जाएगा और मेरे चैनल पे भी आएगा, तो वो अभी हम लोग वीडियो दिखाते, चलो आपको। तो गाइस अब मेरा शूज आ गया है बेबी, तो चलो इस अनबॉक्सिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरीके का है रन्नू का शूज, बहुत ही सुंदर। कंपनी कौन सा है, मेयो का कंपनी है शायद, थोड़ा ब्रांडेड है, मेयो का कंपनी है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम खोलने वाले, खोलो, अच्छा इस साइड से खुलता है, खुल गया। तो फ्रेंड्स ये हो चुकी है हमारे शूज की अनबॉक्सिंग, मतलब रन्नू के शूज की। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं कितना सुंदर शूज है, सप सप नहीं है वो, सुप है, सुप मींस ये, मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। ये सुप क्यों लिखा है, क्योंकि सुप मतलब होता है शॉर्ट में लिखा है, सुप को सुप्रीम को इसमें शॉर्ट में लिखा है, मतलब इसका मतलब होता है सुप सुप्रीम। दिखाओ क्या लेके आए तुम लोग, तो बताओ मम्मी कैसा लग रहा है शूज। अच्छा ये बताओ ये किसकी चॉइस है, पक्का इसकी तो नहीं होगी। हाँ इसकी नहीं है ये तो भैया, इतनी ये क्या शूज लेने आते नहीं है, इसको पता है इतना मोटा मोटा सोल इसका, पक्का ये इसकी चॉइस तो हो ही नहीं सकती, ये पापा की चॉइस है, पापा और मेरी चॉइस है, मेरे को भी अच्छा लगा था। एक्सक्यूज मी पापा की चॉइस, एक्सक्यूज मी पापा और मैं मिलके लेवाए तेरे को बड़ी मेहनत से, चल चल। तो फ्रेंड्स दो तीन दुकान हमने घूमा पर हमें मिला नहीं, तो हमने सोचा वीडियो अभी छोड़ते हैं, फटाफट से पहले ले लेते हैं इसके लिए जुगाड़ करके अच्छा सा, और उसके बाद घर चल के आपको वीडियो में दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरीके का हमारा शूज, यहाँ रख दो। लग रहा है तो फ्रेंड्स इसका शूज तो बहुत सुंदर दिख रहा है। हाँ कल, अरे हाँ यार सुनो सुनो फ्रेंड्स, बताना भूल गया मैं, कल के वीडियो में लड़ रही थी ना मुझसे शूज के लिए, अब बोल ना। हाँ आप क्यों पहनने के लिए लिए है, पहनना है ना, ये बहुत कीमती चीज है, आई बड़ी कीमती चीज। तो फ्रेंड देखो बेबी पांडे न्यू शूज के साथ फोटो खींचेगी, अरे मत खींच पगली का फोटो, पगली के फोटो में पता है मैं बताऊँ इसका फोटो खींचोगे ना तो इसके चेहरे और जूते में कोई फर्क नहीं समझ में आएगा, दोनों ही पैर में रखना चाहिए समझे। मेरी शक्ल भी सुंदर है और मेरा जूता। तो फ्रेंड चलो अब इसे एंजॉय करने दो अपने शूज के साथ, देते हैं इसको बत्ती, चल भाग। तो फ्रेंड्स शूज तो आ गया रन्नू का, अरे बेबी मुंह क्यों लटका रही है देख, अरे ऐसा नहीं है, अब हमारी बारी है, हम लोग अपने लिए लेंगे इसके नहीं। क्यों क्यों लगा, मेरा शूज है, हम लोग भी लेने वाले। फ्रेंड्स इसका वीडियो जल्दी आएगा, पहले इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अभी के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।